सभी को नमस्कार। सेकंड ईयर EHDP सेकंड सेमेस्टर में मेडिसिन में आज जो है, पिछले लेक्चर में हमने मुर्गियों के बीमारियों के बारे में टोटल जो है वो जानकारी ली, पढ़ा। आज हम मुर्गियों के लिए टीकाकरण का जो प्रोग्राम होता है फर्स्ट डे से लेकर के और 14th वीक तक, उनको किस तरह से वैक्सीनेशन देना होता है फार्म में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनको, उनके लिए जो लेयर्स हैं, जो अंडे देती हैं मुर्गियाँ, उनके लिए जो है वो ये टीकाकरण का प्रोग्राम। तो सबसे पहले एक दिन के ओल्ड चिक पे, एक दिन का ओल्ड चिक, उसको हमने मर्क्स एट हैचरी नामक वैक्सीन है, 0.2 ml बाई सब कट इंजेक्शन ये लगा देनी है। अब 4 से 10 दिन के बीच में, एक दिन पे लग गई, अब 4 से 10 दिन, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये प्रॉपर इसी तरह चलना चाहिए। 4 से 10 दिन पे रानीखेत F1 स्ट्रेन बाई नेजल और आई ड्रॉप, या तो नाक में डाल दें उसके बूंद या आंख में डाल दें। 18 से 21 दिन में गम्बोरो डिजीज हमने पढ़ा, उसकी वैक्सीन बाई आई ड्रॉप और ड्रिंकिंग वाटर में। 24 से 28 दिनों में IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की वैक्सीन बाई आई ड्रॉप। 5 से 6 वीक, वो 24 से 28 दिन था, 5 से 6 वीक के अंदर, यानी कि 42 हो गए ना, 5 वीक हो गया, 35 डेज टू 42 डेज यूं मान लो, 5 से 6 वीक। रानीखेत लोसाटा हमने पढ़ा था, लोसाटा स्ट्रेन, ये ड्रिंकिंग वाटर में। बिटवीन 8 से 9 वीक में रानीखेत R2B, रानीखेत डिजीज हमने पढ़ा, 0.5 ml बाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। 8 वीक और ऑनवर्ड इन्फेक्शियस कोराइजा किल्ड वैक्सीन, सेकेंड डोज आफ्टर 4 वीक इसको देनी है इसी की। 8 वीक पे, 8 वीक ऑनवर्ड हो गया, अब है बिटवीन 6 to 7 और 10 to 11 वीक्स फाउल पॉक्स डिजीज बाय विंग वेब या प्रिक मेथड। बाय विंग वेब, विंग जो पंख है उसमें, और या फिर इसमें प्रिक मेथड से लगाते हैं। बिटवीन 14 टू 16 वीक्स इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस IB का फिर इंजेक्शन देना है, सेकेंड डोज ड्रिंकिंग वाटर में। 16 टू 17 वीक्स 16 से 17 वीक फाउल पॉक्स फिर सेकेंड डोज। 18 से 19 वीक रानीखेत किल्ड वैक्सीन 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। 19 से 20 वीक्स गम्बोरो किल्ड वैक्सीन बाई सबकट और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये भी सेकेंड ही है। 14th वीक यानी कि 40 वीक से ऑनवर्ड लासोटा वैक्सीन और IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस प्लस लासोटा कंबाइंड जो है वो, ये वैक्सीन बाय ड्रिंकिंग वाटर एवरी 12 वीक पे, 12 वीक के बाद में आपको इसको कंटिन्यू देते रहना। तो ये थी वैक्सीन लेयर के लिए। अब है फॉर ब्रॉयलर्स, आपको पता है ब्रॉयलर वो हैं जो मीट के लिए पाले जाते हैं, और जो लेयर हैं वो अंडे देने वाली मुर्गियों को। अब डे ओल्ड चिक पे मक्स वैक्सीनेशन एट हेचरी 0.2 ml बाई सबकट इंजेक्शन बिटवीन 4 से 10 दिन, रानी के तैपन स्ट्रेन बाई नेजल आई ड्रॉप। बिटवीन 18 to 21 डेज गम्बोरो वैक्सीन बाई आई ड्रॉप और ड्रिंकिंग वाटर। 30 to 35 डेज रानीखेत लसोटा स्ट्रेन ड्रिंकिंग वाटर। फॉर ब्रॉयलर पेरेटर 22 to 32 वीक्स रानीखेत डिजीज किल्ड वैक्सीन 0.5 ml बाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। फॉर ब्रॉयलर, ये ब्रॉयलर है, ब्रॉयटर लिख रखा है, ब्रॉयलर 22 to 24 वीक्स गम्बोरो किल्ड वैक्सीन सब कट और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो ये वैक्सीन जो है वो शेड्यूल है, इसको
आपने याद रखना है और अपनी क्लिनिकल डायरी में इसको ख़ास तौर से उतारना है, ये नोट करना है, ताकि फील्ड में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काम आने वाली चीज़ है। कभी भी आपको ये इन पे फार्म पे, पोल्ट्री फार्म पे फील्ड में जाने का मौका मिलता है तो कोई ऑनर पूछता है तो आप उसको लिखित वाला जो ये एज इट इज दे सकते हो, वहाँ लगा हुआ है तो वो कंटिन्यू इसी तरह से अपने जो है हर्ड को, सॉरी पोल्ट्री को जो है वो वैक्सीन करता रहेगा, इसी तरह से शेड्यूल यही हो। अब आज एक डिजीज़ जो है और कर लेते हैं, प्रोटोजोन डिजीजेज में अब हम जाए पढ़ेंगे, प्रोटोजोनल डिजीजेज, डिजीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो इसमें एक डिजीज़ है कॉक्सिडियोसिस, इसका हम आज अध्ययन कर लेते हैं, एक ही डिजीज हम पढ़ेंगे आज। कॉक्सिडियोसिस परिचय है, ये विशेष तौर से मुर्गियों का रोग है। इस रोग को खूनी दस्त, खूनी पैचिस आदि नामों से जाना जाता है, डिसेंट्री, खूनी पैचिस। यह अवयस्क पशु 6 माह से 1 वर्ष तक बड़े जानवरों में होने वाला प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है। बड़े जानवरों में भी होता है, मुर्गियों में भी होता है, और डिसेंट्री इसका मेन जो है वो लक्षण है, डिसेंट्री, खून आना दस्त में। दस्त में अगर खून आता है तो इसमें डायग्नोज जो ईजी हो जाता है इसमें कि ये कॉक्सिडियोसिस है। इस रोग में पशु को पतला दस्त तथा श्लेष्मा व खूनी दुर्गंध युक्त पेशिस होता है। कारण इसका इटियोलॉजी है नवजात बछड़ों में आइमेरिया जुर्नी और आइमेरिया बोविस, भेड़ बकरी में आइमेरिया फ्यूरेई, मुर्गियों में आइमेरिया टेनेला, आइमेरिया नेकेट्रिक्स, आइमेरिया मैक्सिमा, आइमेरिया मिटिस एंड आइमेरिया ब्रुनेटी आदि जो है वो कॉज करते हैं प्रोटोजोआ, और कुत्तों में आइमेरिया कैनिस के नाम से जो है वो करता है इसमें। सिम्टम इसके, इनक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 सप्ताह, बछड़ों में भेड़ बकरी में पतले खूनी बदबूदार दस्त, कमजोरी वीकनेस, स्वास्थ्य में तीव्रता से गिरावट क्योंकि डिहाइड्रेशन है। मुर्गियों में, सभी उम्र की मुर्गियों में पाया जाने वाला खतरनाक रोग, यह रोग मुर्गियों में 9 प्रकार का होता है लेकिन 2 प्रकार का ज़्यादा हानिकारक है। सिकल कोक्सीडियोसिस, सिकम में सिकल कोक्सीडियोसिस, इसका कारण ई टेनेला प्रोटोजोआ प्रोटोजोन होता है। पर यह रोग 2 से 4 सप्ताह की उम्र के चूजों को अधिक होता है। इसमें पक्षी को भूख नहीं लगती, प्यास अधिक लगती है, पक्षी आँख बंद करके ऊँगता रहता है, बैठा रहता है, ड्राउजीनेस, खूनी दस्त होते हैं, सिकम खून से भरा हुआ होता है। सिकम, इसको सिकल कोक्सीडियोसिस कहते हैं, सिकम जो है वो खून से भरा होता है, मृत्यु दर ज़्यादा होती है। इसके बाद में आती है आंतों की कोक्सीडियोसिस, यह रोग 4 से 10 सप्ताह वाले चूजों में होता है। इसका कारण आइमेरिया नेकेट्रिक्स नामक प्रोटोजोआ परजीवी है। भूख में कभी कमी, बंद आँख करके ऊँगना और पीला खूनी दस्त, पक्षी को बीट करने में कष्ट होता है, इसलिए चूजा बीट करते समय चू चू की आवाज़ करता है। मृतक पक्षी की आंतों में खून मिलता है, पक्षी कमजोर होकर चल नहीं पाता, बैठ जाता है। तो ये इसके जो है वो लक्षण हैं। ट्रीटमेंट इसका, उपचार, ट्रीटमेंट, क्योंकि ये प्रोटोजोनल है इसलिए इसका ट्रीटमेंट है। तो खास तौर से जो है बड़े जानवरों में या गौ पशुओं में सल्फाग्वानिडिन इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सल्फाग्वानिडिन 100 से 300 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आईवी, एम्प्रोलियम 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पानी में 5 दिन, नाइट्रोफ्यूराजोन 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 5 दिन तक खिलाएं, डेक्स्ट्रोज GNS नॉर्मल सलाइन तथा विटामिन बी कम्प्लेक्स, और इनको इंट्रामस्कुलर जो है वो आईवी और ये इंट्रामस्कुलर देने चाहिए। मुर्गियों में एम्प्रोलियम 25% रक्षात्मक 250 ग्राम पर 100 किलो दाने में 2 से 12 सप्ताह के बच्चों और चूजों में, नाइट्रोफ्यूराजोन, एम्प्रोलियम ध्यान रखना, नाइट्रोफ्यूराजोन 0.005 0.056
परसेंट रक्षात्मक और 0.022% चिकित्सा हेतु दाने में देते हैं। फ्यूराजोलिडोन या फ्यूराजोलिडिन 0.011% दाने में, एप्रोल 10% 1 ग्राम पर लीटर पीने के पानी में 5 से 7 दिन देते हैं। ये बहुत ही कॉर्डिनल और एप्रोल, ये दो दवाइयाँ खास तौर से बाज़ार में जो है वो मशहूर हैं इस बीमारी के लिए, और ये दोनों खास तौर से मिलती हैं, एप्रोल और कॉर्डिनल। ज़्यादातर तो कॉर्डिनल जो है वो ज़्यादा मशहूर है इसमें दवाई और इफ़ेक्टिव है, ये मैंने फील्ड में यूज़ की है। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में दिन में 2 से 3 बार जो है वो पिलाते हैं, उसको दे देते हैं, पीने वाले पानी में डाल करके रख देते हैं, अपने आप ही वो पी लेते हैं। कॉर्डिनल रोकथाम कंट्रोल, तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो एप्रोल और कॉर्डिनल लिखो, ज़रूरी है, और उसमें सल्फाग्यूनिडिन और एप्रोलियम, ये खास तौर से सल्फाग्यूनिडिन की टेबलेट्स आम मिल जाती हैं। रोकथाम कंट्रोल, बछड़ों के बाड़े में नियमित सफाई करें, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, पशुओं में पक्षियों को स्वच्छ जल जो है वो पिलाना चाहिए। तो ये इसके बचाव रोकथाम है। तो आज हम एक ही डिजीजेस को लेंगे, क्योंकि आज हमने वैक्सीन साथ में इसको पढ़ा है, और ये प्रोटोजोन डिजीजेज हैं, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, 1 से लेकर 4-5 हैं जो ये हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं निशान लगवाता जाऊँगा, ये इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।